अब तक की कहानी ये है कि नागराज रुद्र और नागरानी मनसा शहर के नए तौर तरीके सीखने में व्यस्त हैं। नागमणि की शक्ति की वजह से एक रक्षा कवच निर्माण किया, जिसके कारण शैतान और उसके चेले नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला नहीं कर सकते। इसीलिए वो लोग साधना में लीन हैं। उन्हें अगले ग्रहण तक इंतजार करना होगा। हमें मौका जरूर मिलेगा। अगले ग्रहण में अभी बस 18 दिन ही बचे हैं। इस बार हम नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को जरूर हराएंगे और वो नागमणि हमारा होगा। हाँ, और उस नागमणि की मदद से मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। राज, आप बस हुकुम दीजिए। लेकिन उस नागमणि को पाने के लिए अभी हमें बहुत संघर्ष करना होगा। हम तैयार हैं मालिक। आप बस हुकुम दीजिए। मैं भी तैयार हूँ। अब बस मुझे तुम लोगों में अपनी सारी शक्तियाँ डालनी है। देर किस बात की, चलो आरंभ करते हैं। शैतान अपने चेलों में शक्तियाँ डालने लगा। शैतान ने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर से उसकी आंख बाहर आई। शैतान ने अपनी वो आंख मोर को दे दी। मेरी आंखें बहुत अद्भुत है। इनमें इतनी शक्ति है कि ये नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को बांध सकती है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ मोर। उसके बाद राक्षस की मूर्ति में से उसका नीला खून निकला। वो उसने तारिका को दे दिया। मेरा खून नाग नागिनों के लिए जहर का काम करता है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ तारिका, इसका सही इस्तेमाल करना। नीले खून के बाद राक्षस के शरीर से अग्नि बाहर निकली, जो उसने तारक को दे दी। ये अग्नि कोई आम अग्नि नहीं है। जन्मों की साधना और शक्तियों से बनाई हुई दिव्य अग्नि है। यह सब कुछ भस्म कर सकती है। राक्षस के चेलों ने तीनों शक्तियां ले ली। अब तुम तीनों को इन महाशक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। इससे पहले कि तुम इसका प्रयोग नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पे करो, तुम्हें इन्हें जानवर और इंसानों पे इस्तेमाल करना होगा। जाओ। शैतान ने अपने तीनों चेलों को तबाही मचाने भेज दिया। इस बात से अनजान नागराज रुद्र और नागरानी मनसा शहर के अपने फ्लैट में भोलेनाथ की साधना में लीन थे कि अचानक उनकी डोरबेल बजी। नागराज रुद्र ने अपनी शक्तियों से दरवाजा खोल लिया। हे, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? ये ऑटोमेटिक दरवाजा है क्या? इसमें कोई कंप्यूटर शंप्यूटर लगा है लगता है। तभी नागरानी मनसा वहाँ पहुँची। अजी, आप हमें उस होटल में मिली थी ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। आप लोग यहाँ नए नए आए हैं, इसलिए आपको दावत पर बुलाने आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी, आप हमारे घर आएंगे, बातचीत होगी, तभी तो मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊंगी ना। मेरा मतलब है, तभी तो दोस्ती होगी। आखिर पड़ोसी भी तो फैमिली ही होती है ना। ये बात सुनकर नागराज रुद्र वहाँ पहुँचे। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, पड़ोसी भी परिवार ही होते हैं। हम जरूर आएंगे, ठीक है? जी ठीक है। और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने दरवाजा बंद कर लिया। कितनी भली औरत है ना ये, हमें दावत पर बुलाने आई थी। ओहो, तुम अब तक शहर की कुटिल लोगों को समझ नहीं पाई। ये औरत हमें दावत पर नहीं बल्कि हमारे बारे में जानने के लिए आई थी। तो क्या ये शैतान की दूत है? नहीं, ये इंसानी है। शहर के इंसानों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में दखल देने का शौक होता है, जैसे ये हमारी पड़ोसन। तो क्या हमें इसके घर दावत पर नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, और इस बार इस पंचायती औरत को सबक भी सिखाएंगे। दूसरी ओर शैतान के चेले उड़ते हुए जंगल में पहुँचे। इस जंगल से अच्छी जगह नहीं होगी शैतान की शक्तियों को आजमाने के लिए। हाँ, यहाँ हमें कोई न कोई शिकार जरूर मिलेगा। इतनी सारी शक्तियाँ होने के बाद हमें किसी बड़े शिकार को ढूंढना चाहिए, जैसे एक हाथी। हाँ, एक हाथी ढूंढते हैं। शैतान के चेले जंगल में हाथी को ढूंढने लगे।
और यहाँ शहर में नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपनी पड़ोसन के घर पहुँचे। उन लोगों ने बेल बजाई। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी, आइए आइए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा उस औरत के घर के भीतर आ गए जहाँ सोफे पर उसके पति और बेटी बैठे थे। ये मनसा और रुद्र हैं, हमारे नए पड़ोसी, और ये मेरे पति हैं शर्मा जी और मेरी बेटी ट्विंकल। हेलो बोलो अंकल आंटी को। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो ट्विंकल। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा वहाँ टेबल पर बैठ गए। पड़ोसन ने उनके खाने पीने के लिए ढेर सारे व्यंजन रख दिए। इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे ही। अच्छा भाई साहब, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ से हैं? हम तो अहियापुर से हैं। अभी नई नई शहर में नौकरी लगी है। अच्छा अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं? मैं नागों का जहर निकालता हूँ। क्या आपको डर नहीं लगता? बाप रे, डर कैसा, बचपन से ही नागों के बीच में पला बड़ा हूँ तो अब डर नहीं लगता। तभी ट्विंकल वहाँ से उठकर जाने लगी। ट्विंकल कहाँ जा रही है? वो मेरी फ्रेंड आई है नीचे, उससे मिलने जा रही हूँ। ठीक है जा। ट्विंकल चली गई और पड़ोसन फिर से पूछताछ में लग गई। वैसे तो हम कहाँ थे? हाँ, नाक का जहर निकालना, मुझे तो बहुत डर लगता है नागों से। बाबा रे बाबा, और आप तो हाउस वाइफ ही होंगी? हाँ बिल्कुल सही, मैं हाउस वाइफ ही हूँ। खाना बनाना, कपड़े धोना, यही जिंदगी है बस। अच्छा दीदी, आपने बताया नहीं कि आप क्या करती हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये तो सारा दिन कंप्यूटर में घुसे रहते हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और डुबाते हैं, और मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ। वो पढ़ रही है, बहुत ही सुशील लड़की है, बस पढ़ाई के अलावा और कहीं मन नहीं लगता उसका। नागराज रुद्र उठे और खिड़की की ओर गए। और शायद वो लड़का ट्विंकल का बॉयफ्रेंड होगा। क्या? पड़ोसन खिड़की के पास आई और उन्होंने देखा कि एक बाइक वाले लड़के ने ट्विंकल को गले लगाया और उसके गले पर किस किया। पड़ोसन का चेहरा उतर गया, उसे क्या बोलना था वो समझ नहीं पा रही थी। तभी मनसा उसके पास आई। कोई नहीं दीदी, होता है, अक्सर जो लोग दूसरों की खबर रखते हैं उन्हें अपने ही परिवार की खबर नहीं होती। वैसे भी अभी ट्विंकल छोटी है, संभल जाएगी, अब हमें चलना चाहिए। पड़ोसन को सारी दुनिया की खबर थी पर अपनी बेटी के अफेयर से वो अनजान थी। पड़ोसन को सबक सिखाकर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपने फ्लैट पर लौट आए। वहाँ जंगल में शैतान के चेलों को एक हाथी दिखी गया। क्या शैतान के चेले उस हाथी को नुकसान पहुँचाएंगे या वो हाथी राक्षसों पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।